दे, ऊपर वाले थोड़ा रहम कर दे। कि फिलहाल अपने तो हालचाल है बेकार। रियलमी का फोन था दोस्तों ये घर वाला, जो कि हो गया डैमेज। आईफोन 16 रिलीज हो गया दोस्तों और अपन चला रहे हैं अभी भी 11। का डिस्प्ले देख रहे हो नहीं चल रहा है, फोन है वाइब्रेट हो रहा है, पर डिस्प्ले जो है ना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले गया इसका, गिर गया, पानी गया, पता नहीं। एक नंबर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि फिंगरप्रिंट इसका काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? डिस्प्ले लगेगी आपको 5,500 की, 5,500 की। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। बाकी फिलहाल अपने तो हालचाल है बेकार, क्योंकि बताते हैं आपको, एक सेकंड रुकिए। पहले स्वागत है आपका आज के डेली व्लॉग में। तो हालचाल खराब इसलिए कि दोस्तों मैं जा रहा हूं अभी एक सेकंड ये क्या था यार? अच्छा तो ऐसा है दोस्तों, खाली बैठे हो गए अपना नुकसान। अपना एक फोन है रियलमी का, जिसका डिस्प्ले हो गया डैमेज, तो अब उसको कराना पड़ेगा रिप्लेस। तो अभी अपन चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं कोई ढंकी सी अच्छी सी मोबाइल रिपेयर की शॉप जो अपना काम कर दे फटाफट से, हैंड टू हैंड, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई साहब, ना फोन छोड़ने का ना घंटों बैठने का। बाकी देखते हैं और आपको बताते हैं कितना टाइम लगता है उसको ठीक करवाने में। तो रियलमी का फोन था दोस्तों ये घर वाला, जो कि हो गया डैमेज, गिर गया, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। उसकी स्क्रीन जो है हो गई है पूरी तरह से गायब। यहाँ पे यार एक शॉप होनी चाहिए थी, कहाँ गई। तो दोस्तों वो वाला फोन हो गया डैमेज, उसको ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी काम रहता है आपके भाई को। और उसके अलावा एक और फोन है अपने पास, क्या बोलते हैं उसको यार, एमआई का है यार, पोको वाली सीरीज जो आती है ना उसकी, अच्छा है। मतलब मेरे को उससे वैसे कोई हैवी काम तो रहता नहीं दोस्तों, बस हल्का फुल्का काम रहता है। तो और जिससे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ये आईफोन, पर कसम से दुख की बात है ना दोस्तों, ये है आईफोन, कौन सा 11, आईफोन 16 रिलीज हो गया दोस्तों और अपन चला रहे हैं अभी भी 11। ए ऊपर वाले थोड़ा रहम कर दे, एक 16 प्रो मैक्स हमको भी दिलवा दे यार। कहाँ से लाएंगे? कोई शॉप ही नहीं दिख रही यार। अच्छा चलो, मेरे को मिला है एक मार्केट, तो गाड़ी अपन को थोड़ा घुमा के लाना होगा सर्किल से। मैं गाड़ी घुमा के लाता हूँ, फिर मोबाइल ठीक कराते हैं और बताता हूँ आपको ठीक होता है कि नहीं होता है, कितना टाइम लगता है। बने रही व्लॉग में। तो दोस्तों ये है रियलमी का फ़ोन, रियलमी कौन सा है भाई, ये रियलमी 8 प्रो। चलो चलते हैं और दिखाते हैं इसको। इसका डिस्प्ले देख रहे हो नहीं चल रहा है, फ़ोन ऑन है वाइब्रेट हो रहा है, बट डिस्प्ले जो है ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले गया इसका, गिर गया, पानी गया, पता नहीं। अरे पता नहीं किसको कॉल लग गया, कट जा भाई, कहाँ से कटेगा। चलो अभी जाके इसकी मरम्मत करवाते हैं अपन।
दोस्तों, जब तक अपना फोन रेडी होता है, जब तक अपन पीते हैं पपीता शेक। चीयर्स दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो देखो ये अपना जो फ़ोन है रिपेयर हो चुका है, डिस्प्ले इसकी चेंज हो चुकी है। भाई ने बोला भाई रबड़ लगा के रखना 4-5 घंटे तक, रबड़ हटाने का नहीं। मैं कि भाई ठीक है, हम नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो बैक से देखो स्क्रीन आपको दिख रही है दोस्तों, स्क्रीन आ गई है, ठीक है। पासवर्ड, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि फिंगरप्रिंट इसका काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा मैं बताऊँगा। और बिना और पासवर्ड अब रिक्वायर्ड है, पासवर्ड डालना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन ऑफ था। और पासवर्ड और भाई मैं भूल गया, कोई ना, वो तो मैं कर लूँगा इसको स्टार्ट, ठीक है। बाकी फ़िलहाल के लिए फ़ोन हो गया, तो अभी अपन इसको कवर में भी नहीं डाल सकते 4-5 घंटे जब तक रबड़ वगैरह लगी हुई है। तो घर पे जाके पासवर्ड इसका अनलॉक करेंगे और फिर आपको बताते हैं डिस्प्ले कैसा काम कर रहा है और कैसा नहीं। बाकी रही बात है कि इसका स्क्रीन टच हो, क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट क्यों काम नहीं कर रहा। फिंगरप्रिंट इसलिए काम नहीं कर रहा, मैंने भाई को बोला भाई डिस्प्ले चेंज करनी है, तो भाई बोलता है कौन सी लगानी है, ओरिजिनल लगानी है कि लोकल लगानी है। मैं कि भाई फ़र्क बता, बोला ओरिजिनल आएगी, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल वाली क्वालिटी आएगी, फिंगरप्रिंट का सेंसर भी उसके अंदर आएगा और ओरिजिनल डिस्प्ले लगेगी आपको 5,500 की, 5,500 की। मैं क्या, लोकल कितने की भाई, लोकल लग जाएगी 1,600 रुपये की। मैं कितना डिफरेंस क्यों, क्योंकि क्वालिटी का जाहिर सी बात है बहुत फ़र्क आएगा, रात दिन का फ़र्क आएगा। जो ओरिजिनल डिस्प्ले होती है उसकी बात अलग होती है, और लोकल डिस्प्ले में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ विदाउट फिंगरप्रिंट ही यूज़ करो, ठीक है। तो क्योंकि इस फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट था, इसलिए इसकी जो कॉम्बो है ना वो काफ़ी कॉस्टली है। तो मैं कह भाई अगर मैं ओरिजिनली चेंज करवाऊंगा, ओरिजिनली डलवाऊंगा, तो मैं सर्विस सेंटर पर जाके करवाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि बाहर मार्केट में ओरिजिनल भी कॉपी होती है, वो मेरे को अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो भाई ने फिर एक और ऑप्शन दिया कि एक और डिस्प्ले है जो कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉपी, ठीक है, जो कि आपको पड़ेगा 3,000 का, क्वालिटी पूरी ओरिजिनल वाली आएगी, लेकिन फिंगरप्रिंट उसमें भी नहीं आएगा। मैं क्या फिर सेंस किया, अगर उसके अंदर भी फिंगरप्रिंट होता तो मैं 3,000 वाली करवा लेता हूँ। तो मैंने कहा तो भाई ऐसा कर, तू लोकल डाल दे, अभी मेरे को इमरजेंसी, इतना टाइम है नहीं, हैंड टू हैंड काम करेगा। तो उसने बोला मैं हैंड टू हैंड लगा दूंगा 10 मिनट के अंदर। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो अभी लोकल लगा, अभी अपन को फ़ोन चलाना है 2-4 महीने, उसके बाद अपन उसको चेंज कर देंगे फिलहाल के लिए। तो अभी 2-4 महीने का अपना काम चल जाए, इतना ही अपन को चाहिए था। तो फालतू अपन 5,500 रुपये क्यों खर्च करें, वैसे ही हालत ख़राब चल रही है भाइयों, बहुत वो कहते हैं ना बंगाली में आटा गीला, वो हिसाब हो रखा है। तो इतना फालतू पैसा है नहीं जो अपन रिपेयर कराने पे 5-6 हज़ार लगा दें, ठीक है। तो अभी इसको 2-4 महीने चलाएंगे, फिर मैं सोच रहा हूँ इसको बेच के कोई नया ही ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि उस वाले फ़ोन का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का कॉलिंग का यूज़ है, और बेसिकली वो घर वाला फ़ोन है, तो इतना कोई खास यूज़ आता है नहीं। बाकी देख लेंगे फिर बाद में, ठीक है। अगर डिस्प्ले अगर अच्छा नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा,
तो फिर मैं सर्विस सेंटर पे ओरिजिनली चेंज करूंगा, बाहर तो नहीं करवाना। अगर आपको ओरिजिनल स्प्रे डलवानी, बाहर मार्केट में मत डलवाना, वो आपको कहेंगे ओरिजिनल है, पर वो ओरिजिनल नहीं होती है, डुप्लीकेट होती है। मुझे पता है क्योंकि मैंने इस फील्ड का काम कर रखा है, तो अच्छी खासी नॉलेज है। और वो जो उसने लगाई ना कुंभ 1600 रुपये की, उसकी ओरिजिनल प्राइस आती है 600 से 800 के बीच में, 600 से 800 की कॉम्बो पड़ती है शॉप वाले को। पर वो लगाने का वो लेता ही है अपनी मेहनत का, उसके कारीगरी का पैसा। मैं कि ठीक है तू ले भाई, ठीक है। तो मैंने उसको 1500 रुपये दिए, ठीक है अपना काम हो गया। हैंड टू हैंड सबसे बड़ी बात ये थी कि अपन को फ़ोन चाहिए था इंस्टेंट, जो कि अपनों को मिल गया इंस्टेंट। तो अब अपन चलते हैं आगे अपने घर। और बाकी आज का आपका ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और इससे पहले के ब्लॉग अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखना, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर लेना और शेयर करो, तो आपका भाई को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं फिर से किसी और दिन किसी और ब्लॉग में किसी और नए टॉपिक के साथ। बूम।